हेलो गाइस, 100 वर्ड पर मिनट एडिटोरियल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सही है कि देश में राजनीति सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है, लेकिन बीते दशकों में राजनीति में सौहार्द और विश्वसनीयता समाप्त हो गई लगती है। राजनीति में विचारधारा भिन्न भिन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन मनमानस में स्थायी तौर पर शत्रुता पाल कर रखना गलत है, चाहे लोकतंत्र के सदन हो या समाचार चैनलों पर बहस। प्रवक्ता यह तय करके जाते हैं कि हम अपने अपने दल का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करने के लिए एक दूसरे के प्रति स्तरहीन भाषा शैली और तेवर का प्रयोग करेंगे। बहस के कार्यक्रमों का आरंभ ही क्रोध और मानसिक तनाव से होता है। समाचार चैनलों के एंकरों की भूमिका पंच की तरह निष्पक्ष होना चाहिए, मगर उनकी भूमिका पक्षपातपूर्ण होती है। उनका पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखकर प्रतीत होता है कि वे निष्पक्ष बोलने से डरते हैं या उन पर नूरा कुश्ती करने का दबाव रहता है। कई बार चैनलों के एंकर एक दल के प्रवक्ता को खुलकर बोलने का मौका देते हैं और जो प्रवक्ता आलोचना करते हैं उनके बीच में बोलकर उनकी बात का महत्व खत्म कर देते हैं या उत्तेजित होकर खुद किसी दलगत प्रवक्ता की तरह बहस करने लग जाते हैं। दरअसल टीवी चैनलों का विचारों के आदान प्रदान के कार्यक्रम अब दाना फेंक कर मुर्गी लड़ाने के कार्यक्रम बन चुके हैं। बयान या बहस में सौहार्द और परस्पर सम्मान का नितांत अभाव रहता है। सत्ता में चाहे कोई भी दल हो, सबसे ज़्यादा जवाबदेही सत्तारूढ़ दल की ही होती है। इसलिए लोकतंत्र के सदनों में और देश को विश्वसनीय जवाब देना सत्तारूढ़ दल का कर्तव्य है। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो सत्ता में हो उसी से किए जाते हैं। कोई भी न तो हमेशा सत्ता में रह सकता है, न हमेशा विपक्ष में रह सकता है। सब कुछ परिवर्तनशील है। एक अंकेशक हर साल हिसाब किताब का परीक्षण करता है। जो गलती और भूल चूक हुई है उसे परीक्षण के सारांश में लिख कर देता है। उसके बावजूद गलतियां और भूल चूक यथावत रहती हैं। अगर गलती या भूल चूक है तो उसे बड़प्पन से स्वीकार करना हार नहीं है। अपनी अपनी गलतियों और भूल चूक को दूसरे के पाप गिनाकर या उसे गिद्ध की तरह बार बार कोसकर अपनी भूल चूक या गलती सुधारने का माध्यम नहीं है। आज राजनीतिक दलों के ईर्ष्या, राग द्वेष और वैमनस्य ने ऐसा वातावरण बना दिया है कि आपस की विचारधारा हिंसा का कारण बन जाती है। वर्तमान में जो जितनी ज़्यादा स्तरहीन और अपमानित करने वाली भाषा बोलता है, वह उतना ही बड़ा नेता माना जाता है। परस्पर राजनीतिक विरोधी नेता अगर स्नेह से आपस में मिल लें तो मीडिया तिल का ताड़ बना देता है। प्रेम से मिलने वाले नेता अपने अपने राजनीति दलों में शक के दायरे में आ जाते हैं और मीडिया उनसे अनावश्यक प्रश्न करने लगता है। पैरा, न्याय और अन्याय के बीच न्याय
दिलाने में पुलिस की बड़ी भूमिका होती है। जनता को कोई भी समस्या होती है तो वह पुलिस के पास जाती है। लोग अपनी समस्या फरियाद लेकर पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाना और न्याय की मांग करना बेहतर समझते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान काम है? पुलिस और नागरिक के बीच में रिश्ते क्यों कमज़ोर पड़ते दिखाई देते हैं? क्यों पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता? आखिर क्यों पुलिस जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है? समान पुलिसिंग का मतलब होता है कि थाने पर कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आता है तो उसके प्रति हमारा रवैया कैसा है, उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है या नहीं, इसमें कितना समय लगता है और उस सही ढंग से दर्ज किया जाता है या नहीं, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की जांच पड़ताल कितनी दक्षता से की जाती है, अपराधी की गिरफ्तारी या माल बरामद करने में कितनी तत्परता दिखाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे ही मामले आते हैं जिसे पुलिस खुद का रवैया इंसाफ दिलाने में सहायक साबित नहीं हो पाता है। यह चिंताजनक है कि पुलिस का यह रवैया पुलिस और पीड़िता के बीच कितनी खाई और अविश्वास पैदा करती होगी। समाज में पुलिस के प्रति क्या संदेश जाता है? महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पुलिस को पीड़िता की बातों को सुनना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। जनता का विश्वास पुलिस के प्रति सम्मान, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पुलिस और पब्लिक। इसलिए पुलिस को लोगों का सहयोग करना चाहिए, उनको न्याय दिलाना चाहिए। पैरा, भारत विकास की ओर तेजी से अग्रसर देशों में अग्रणी है, लेकिन इस विकास के बीच भी हमारे सामने होती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में और यहाँ तक कि प्रमुख शहरी क्षेत्रों में भी इसे एक ऐसे मुद्दे के रूप में देखा जाता है जिसके विषय में समाज में चर्चा करना गलत है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी रूढ़िवादिता। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 में से 3 महिलाओं को महावारी के विषय में तब तक कोई जानकारी नहीं होती जब तक वे खुद में इसे नहीं पाती। राजस्थान में यह आंकड़ा 10 में से 9 महिलाओं का हो जाता है। अन्य आंकड़ों की बात करें तो भारत में लगभग 36.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो हर माह मासिक धर्म से गुजरती है, लेकिन इनमें से सिर्फ 36% महिलाएं ही सैनिटरी पैड का उपयोग करती है। यह जानते हुए भी कि इसके परिणाम भविष्य में उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं और उन्हें कई लाइलाज बीमारियों से ग्रसित कर सकते हैं। सरकार इस विषय पर काम कर रही है, लेकिन शुरुआत हमें भी करनी होगी। देश से रूढ़िवादी सोच मिटाने और कपड़े से होने वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए हमें आगे आना ही होगा। पैरा, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक दिलाया, जो ऐतिहासिक है। नीरज ने अपने स्वर्ण पदक को विख्यात एथलीट मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा को समर्पित किया है। निश्चित ही इसमें नीरज चोपड़ा की लगन, मेहनत और धैर्य के कठिन अभ्यास का बड़ा योगदान है। उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने भाला फेंक जैसे खेल की ओर युवाओं को आकर्षित
किया है, इससे भविष्य में और अधिक प्रतिभाशाली युवाओं के माध्यम से अनेक मेडल की संभावनाएं पैदा हुई है। भारत जैसे देश में जहां अधिक जनसंख्या और बेरोजगारी की समस्या है, अगर खेलों को स्टॉप